वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि सीता जी की खोज करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। उनके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर दृष्ट बुद्धि ने और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का अंत होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। एकादशी व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पूजा विधि। इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत 23 मई 2021 को किया जाएगा। एकादशी तिथि 22 मई 2021 को प्रातः 9:15 से शुरू होकर 23 मई 2021 को 6:42 तक रहेगी। पारण का शुभ मुहूर्त 24 मई प्रातः 5:26 से 8:10 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक नगरी में धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने आभूषण कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो उसके दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा और चोरी करने लगा, इसलिए वहाँ के राजा ने उसे नगरी से निकाल दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आश्रम लौट रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कृपया मुझे इन पापों से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक चला गया। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है, अतः दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन ही करें और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर बैठकर पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करें और उन्हें तुलसी, चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, द्वीप, नवेद और फल आदि अर्पित करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने और उसके बाद धूप दीप से भगवान की आरती करें। द्वादशी तिथि को यानी अगले दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। सनातन धर्म के अनुसार एकादशी के दिन गीता का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए उपासक को दिन में शांति से गीता का पाठ भी करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।